गांवों में वो प्रतिभाएं छिपी होती है, जिन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म निकल के मिल जाए तो शायद वो प्रतिभाएं निकल के आगे आती हैं। ऐसे ही कोठी रोड पर स्थित भारती पब्लिक स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। भारती पब्लिक स्कूल की युगांशी हमारे साथ मौजूद है, जिसने 95.33% के साथ स्कूल को टॉप किया है। उस युगांशी से हम बातचीत करते हैं, आखिरकार स्कूल ने उससे कौन सा वातावरण प्रोवाइड करवाया जिसके बदल ये स्कोर है वो युगांशी। युगांशी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। 10th क्लास में थोड़ा सा स्कोर हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए, कितने का स्कोर था आपका, परिणाम क्या था आपका, कितने परसेंटेज हैं आपके? 95.33। युगांशी, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं नवलड़ी। नवलड़ी से यहाँ भारती पब्लिक स्कूल में कितने समय से आप पढ़ रहे हैं? मैं 2 साल हो। 2 साल से, तो शायद 2 साल में मेरे हिसाब से आपने स्कूल को पहचान लिया होगा, कितनी अच्छी थी। यस सर। आपने अच्छा, इतना अच्छा स्कोर कवर किया है, गांव की स्कूल को चयन किया, कोठी रोड पे ये भारती पब्लिक स्कूल मौजूद है, एक नई बिल्डिंग बनने के साथ में कई सालों से स्कोर को, तो पहले जब आप स्कूल को ज्वाइन कर रहे थे तब कब देखा था कि मैं यहाँ जाऊँगी तो मुझे अच्छा माहौल मिलेगा, मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, कब देखा था स्कूल के बारे में, कहाँ सुना, कहाँ देखा आपने? मेरी सिस्टर पढ़ती थी। अच्छा अच्छा, यही पढ़ती थी क्या? हाँ। थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताइए, कैसा टीचर थे, कैसा स्कूल का मैनेजमेंट था? मतलब यहाँ के जो टीचर्स है वो बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, मतलब मोटिवेट भी करते हैं हर बार। पढ़ाई का कैसा शेड्यूल था, पूरी साल भर कैसे पढ़ते थे आप? कोई फिक्स टाइम नहीं है। कैसे कैसे पढ़ते थे, सुबह उठ कर पढ़ते थे या रात को पढ़ते थे ज़्यादा? रात को ज़्यादा। रात को कितने बजे तक? 10 to 11। दुकान से की मम्मी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि बेटी ने इतना अच्छा स्कोर कवर किया तो माता पिता का एक अहम रोल होता है इस स्कोर में। बेटी ने एक अच्छा स्कोर कवर किया, वो भारतीय स्कूल में यहाँ पढ़ रही थी। थोड़ा सा इसके बारे में, युगांशी के बारे में हमें बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं युगांशी ने गांव की स्कूल का चयन किया और अच्छे स्कोर के साथ वो यहाँ से निकली। अच्छा ही है। क्या काम करती थी युगांशी, घर पे भी काम करती थी? हाँ, हेल्प करती है घर पर। क्या क्या करती थी युगांशी? ये घर का काम करवाती थी मेरे को। कौन कौन सा खेत भी है क्या? हाँ खेत है। युगांशी घर पे भी है, खेत पे भी काम किया क्या? नो सर, नहीं किया। खेत का नहीं करती सर, घर का काम कर। जब यहाँ स्कूल में आपने डाला तो स्कूल से आप कैसे प्रभावित हुए, क्योंकि साल भर की मेहनत रहती है स्कूल की जिसके बदौलत ये स्कोर अच्छा कवर कर पाई है। बहुत अच्छा है। स्कूल के टच में पूरे साल कैसे थे? अच्छे आते थे क्या रेगुलर, जैसे पेरेंट्स मीटिंग यहाँ होती थी? हाँ रेगुलर आते थे। क्या बताते थे युगांशी के बारे में? अच्छे बताते थे टीचर, बहुत अच्छी पढ़ती है। सर हमारे साथ मौजूद है अटल सर, मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा ही कर लेता हूँ। युगांशी ने इतना अच्छा स्कोर कवर किया, इसके साथ थोड़ा सा आप आ जाइए, कैसे स्कूल में पढ़ाई करती थी, क्लासरूम में कैसे रहती थी, थोड़ा सा? नहीं नहीं, बिल्कुल अनुशासन में रहती थी और हर एक टेस्ट में, जो भी क्लास टेस्ट होता था तो उसमें अव्वल आती थी हमेशा, और कोई भी डाउट के लिए तो डायरेक्ट टीचर से क्लियर कर लेती थी, कभी उनको ऐसी समस्याएं नहीं आने दी कि जैसे कोई उसका समझ में नहीं आया, कोई टीचर्स की प्रॉब्लम है, कोई नहीं, हमेशा क्लास में अव्वल रही है। युगांशी की मम्मी बता रही थी ये घर पे भी काम करती थी, अपना समय पढ़ाई को भी देती थी। देखो हमारा जो कस्बा है उसमें सब बच्चियां लगभग घर का जो झाड़ू पोछा का है या खाना बनाने में है सब हेल्प करती हैं, तो युगांशी भी ऐसे, उनकी मम्मी हाउसवाइफ है, पिताजी भी प्राइवेट जॉब करते हैं, एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल, अच्छी बड़ी बच्ची है वो भी, यहाँ 12th क्लास में 80+ नंबर लेके आई है। सर इतने अच्छे स्कूल रिजल्ट के, और कहीं ना कहीं एक माता पिता के साथ स्कूल का भी अहम रोल होता है, शायद वो वातावरण स्कूल में अंदर एक बच्चे वो बच्ची को मिलता है जिसके बदौलत ये पढ़ाई की, थोड़ा सा स्कूल के बारे में आप हमें बताइए। नहीं हम स्कूल में हर एक बच्चे पर इक्वल ध्यान रखा जाता है, जैसे हमारे पास क्योंकि मिडिल क्लास लेवल के बच्चे आते हैं तो जो भी बच्चा अगर कमज़ोर है तो उनको अलग से हम जो डाउट क्लियर करवाते हैं उनको अलग से क्लास लगा के पूछते हैं, वन बाई बच्चे को लेके अलग से भी, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनको पूरा ध्यान रखा जाता है एकदम, तभी जाके ये रिजल्ट संभव हो पाता है। युगांशी सभी पे ध्यान रख रहे थे, आप पे ज़्यादा ध्यान था स्कूल वालों का? सब पे। और यहाँ और भी बच्चियाँ मौजूद हैं, और बच्चे मौजूद हैं उनसे थोड़ी सी चर्चाएँ वो कर लेते हैं, क्योंकि इनके साथ इनके भी पढ़ने वाले और भी हैं जिन्होंने एक अच्छा स्कोर कवर किया है इसी स्कोर को कवर करने वाली। पलक हमारे साथ मौजूद है, पलक कितना स्कोर है आपका? 90.33। तो मेरे हिसाब से आपने भी खूब मेहनत की होगी पूरे साल भर। यस सर। तो स्कूल के सहयोग को कैसे देखते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नवलड़ी से। नवलड़ी से यहाँ भी, तो आपकी जो एक बहन भी शायद मेरे हिसाब से नवलड़ी है जिसने आपसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। यस सर। तो थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताइए हमारे देखने वाले को आप। सर स्कूल बहुत अच्छी है, टीचर्स भी काफ़ी फ्रेंडली है। कितने समय से आप पढ़ रहे थे यहाँ? सर मुझे 5 साल हो गए जब से स्कूल स्टार्ट है तब से। मतलब स्कूल को तो आपने अच्छे से जान लिया है। यस सर। और सभी टीचर्स को जानते हैं। यस सर। तो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन होता है, वो साल भर मेहनत भी करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, तो स्कूल की मेहनत को साल भर की कैसे देखते हैं आप? अच्छी है, मेहनत तो बहुत अच्छी है। ऐसे कैसे पैटर्न स्कूल ने बना रखे, क्या कोई पढ़ाई शेड्यूल था कि आपका घर से? कन्फर्म तो नहीं है लेकिन थोड़ा बीच बीच में उठ भी जाती थी, लेकिन
थोड़ा बहुत तो पढ़ता है, पढ़ना तो ज़्यादा जरूरी था। दिव्यांश जी, आपने स्कोर करने के साथ विषय का चयन कर लिया क्या कि मैं इस विषय में जाऊंगी आगे, सोच लिया क्या कौन से विषय लेने वाले हो आप? साइंस। यहीं पढ़ोगे आप, है ना? तो बेटी ने कह दिया कि मैं साइंस लूंगी, तो करोगे ना सहयोग इसमें पूरा? सहयोग करेंगे सर, बिल्कुल। और भी यहाँ बच्चियाँ मौजूद है, थोड़ा सा उनसे, आपका क्या नाम है? आपका आकांक्षा। एक बार तीनों आप अपना नाम और स्कोर बता दीजिए, कितना स्कोर है आपका? हर्षिता 90.67। आपके? मेरा नाम आकांक्षा है, मैंने 91.33 अंक पाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना है, मैंने 91.67%। सो ये 90 वाला स्कोर कवर करना कई बड़ी मेहनत रही होगी आपकी भी। कितने घंटे पढ़ते थे आप तीनों ही? रोज 4-5 घंटे तो। आप कितना पढ़ते थे? सर ऐसे 5 घंटा तो फिक्स था, और हम कभी ज़्यादा भी पढ़ लिया करते थे। अच्छा, मैं आपसे चर्चा ही कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ पूछूंगा कि स्कूल की मेहनत को कैसे देखते हैं, क्योंकि साल भर आप यहाँ पढ़ रहे थे स्कूल के बीच में, यहाँ टीचर से आप लगातार कांटेक्ट में थे, यहाँ स्कूल लड़के क्लासेज आपने लिए, तो किस प्रकार की पढ़ाई यहाँ होती है, थोड़ा सा वो बताओ आप। सर 100% दिया है स्कूल वालों ने भी, और हमने भी अपना पूरा सहयोग दिया है। और सर यहाँ पर रूटीन था स्कूल वालों का, सर टीचर्स हमें टेस्ट रेगुलरली लिया करते थे, वीकली होते थे, प्री बोर्ड भी हमें बहुत लिए गए, जिस कारण हमारा जो 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका हमें डर निकल गया था। अच्छा, आपका? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंडली बिहेवियर के साथ वो हमें पढ़ाते थे, इस और ना वो हमें हर अगर कोई डाउट होता था तो अलग से भी बैठा के पढ़ाते थे, तो उनकी इस मदद से हमें बहुत सहायता। आप क्या कहेंगे स्कूल मैनेजमेंट को? स्कूल वालों ने अपना 100% दिया, और हमने भी स्कूल हमारे डाउट्स वगैरह हमारे क्लियर करते थे टाइम टू टाइम, और प्री बोर्ड ने भी हमारा लेकिन जो बोर्ड से डर होता है वो भगा दिया था। अच्छा, ये ऐसा वक्त है जब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश कर रहा है, तो आप तीनों का मैं सुझाव जानना चाहूँगा, जो बच्चे स्कूलों की तलाश कर रहे हैं या कहीं प्रवेश लेना चाह रहे हैं, तो क्या कहेगी उनको? जैसे कोई भी बच्चा नई स्कूल देख रहा है तो उनको क्या कहेंगे आप? सर मैंने तो सबको कह रखा है कि हमारी स्कूल बेस्ट है, और हमारे स्कूल का स्कोर हर साल वीकली बढ़ रहा है, तो इसमें एडमिशन लेना अच्छा। सर साल की सर साल परिणामों की मैं और चर्चा ही कर लाता हूँ, तो लगातार नवरगढ़ में वो स्कोर आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या मेहनत भी बढ़ती जा रही है स्कूल के लिए? अच्छा मैनेजमेंट शायद मेरे हिसाब से होगा, जिसके बदौलत युगान से जैसे स्टूडेंट 95 से अच्छा स्कोर है। जी सर, हमने हमारे इंग्लिश मीडियम के प्रथम सत्र से, 10th क्लास के प्रथम सत्र से ही 90% को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। हमारे प्रथम सत्र में 18 बच्चों में हमने 4 बच्चे 90% दिए थे, उसके नेक्स्ट ईयर हमने 5 बच्चे 90% दिए, इस साल हमने 25 बच्चों में से 6 बच्चे हैं वो 90% का स्कोर किया है। और युगांशी आप देख ही रहे हो, इन्होंने अपने स्कूल में हमारे स्कूल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है 95% के साथ में, तो ये बहुत जी 95.33% के साथ में, तो ये बहुत ही हमारे सम्मान की बात है, हमारे पूरे विद्यालय परिवार का सम्मान है कि हमने इसको पूरी मेहनत के साथ, इसी को नहीं, हमारे पूरे स्टाफ ने पूरी क्लास को पूरी मेहनत के साथ में पढ़ाया है, उनको पूरे मोटिवेट किया है, तभी ये ऐसा स्कोर हमें प्राप्त हुआ है। सर शिक्षा के साथ एक शब्द हो रहा है संस्कार, मैं कई बार स्कूलों से यहीं से गुजरता हूँ, कई बार यहाँ कल्चरल प्रोग्राम चलते रहते हैं, कई एक्टिविटियाँ यहाँ होती रहती हैं, जैसे बोर्ड क्लासेज के साथ यहाँ सेमिनार भी आयोजित होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, कई बार स्कूल में कई मोटिवेट जी जी हाँ सर, हम पूरे साल हैं बच्चों को कि भाई बच्चों पर पढ़ाई का लोड नहीं रहे, इसके लिए कंटिन्यू है समर वेकेशन चलता रहता है कि हम 7-8 डेज का समर वेकेशन चलाते हैं, जिसमें बच्चे अपनी पढ़ाई की थोड़ी सी बोरियत को दूर कर सके। स्पोर्ट्स वीक है वो भी चलता है, हम एनुअल फंक्शंस है वो कंटिन्यू करवाते हैं, बीच बीच में बच्चे हैं वो थोड़े मोटिवेट होते रहें, पूरे एक्साइटेड होते रहें अपनी पढ़ाई के प्रति, जिससे में ये निरंतर एक्टिविटियाँ हैं बच्चों को पूरा सर्वांगीण विकास करके देती है, इसी वजह से ये बच्चे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होते हैं। आज से कुछ समय पहले मैंने इस स्कूल के इस कैंपस में खड़े होकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें यहाँ भारती पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चे रोबोटों को तैयार कर रहे थे, उन्हें देखकर हमें भी शायद खूब खुशी महसूस हुई, थोड़ा सा बताइए वो रोबोट छोटे बच्चे थे वो रोबोट तैयार कर रहे थे स्कूल के? जी सर, हर साल है हम एक साइंस एग्जीबिशन है वो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का हम रखते हैं, उसमें आप ये सोच सकते हो कि 2nd क्लास से बच्चे हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 2nd क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चे हैं वो अपने अपने मॉडल को तैयार करके लेके आते हैं, और अपने अपने पेरेंट्स के सामने, नए अतिथियों के सामने, आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। इन्हीं में एक नया वैज्ञानिक छुपा होता है कि जो आगे जा करके अपने भारत को, अपने समाज को, अपने नवलगढ़ को है वो गौरवान्वित करके रहेगा। युगांश जी, आपके जैसे आपने बोर्ड से 11th क्लास में आ गए हैं, तो आपकी जगह
आपके छोटे भाई बहन लेने वाले हैं, तो वो कैसी तैयारियां करें साल भर, जिसके बदलत आपसे जो 95 वाला स्कोर आपने कवर किया उससे ज़्यादा वाला वो भी आपके साथ कवर करें। मतलब पढ़ाई नहीं करनी, साथ साथ मस्ती भी करनी है, ताकि मतलब बच्चों को स्ट्रेस ना हो। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरा स्कोर तोड़े बच्चे आगे। तो ये 95 वाला स्कोर ये तोड़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है स्कोर स्कूल का। हाँ। पूरी हमें रखेंगे कि अगली बार है वो 95 के स्कोर को भी हम ब्रेक करेंगे और इससे ये हम 98-99 तक लेके जाएंगे। बिल्कुल सर। सर ग्रामीण परिवेश के वो बच्चे आपके साथ यहाँ पढ़ते हैं, स्कूल के एक अच्छा मैनेजमेंट से मैंने कई स्टूडेंटों से चर्चाएं करी है, तो शायद वो गाँव की प्रतिभाएं आपने शुरू में ही पहचान ली होगी, जिसके बदले युगान से जैसे स्टूडेंट ने 95 से ऊपर का स्कोर कवर किया है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी है। हमारे जो अधिकतर बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फिर भी बच्चे बहुत शानदार स्कोर कर रहे हैं। सभी बच्चों को मैं बधाई देता हूँ कि वो 95+ आ रहे हैं और लगातार ये आते भी रहेंगे। निश्चित रूप से स्कूल, विद्यालय, परिवार पूरा मेहनत कर रहे हैं। सर साल की दर साल परिणाम बढ़ता जा रहा है और परसेंटेजों की बात करें, मैं देख रहा था अभी 95 से प्लस का स्कोर भी इस स्कूल ने कवर किया है। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से क्या है, लगातार विद्यालय मेहनत कर रहा है और मेहनत विद्यालय परिवार के साथ में, हमारे अध्यापक हैं वो डेडिकेटेड हैं, वो निश्चित रूप से क्या है बच्चों की हर डाउट्स क्लियर करते हुए आगे जाते हैं। और जो टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट भी मतलब बच्चों के बराबर रेगुलर टेस्ट लेते रहते हैं और हर सप्ताह से क्या है उनको एक मेरिट बनती है, उस मेरिट बेस के ऊपर उसको बताते रहते हैं कि आपको अब की बार कौन इस मेरिट को क्रेस करेगा। मतलब सर कुछ ही समय में स्कूल की क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली है, एडमिशन प्रक्रिया भी आपके स्कूल में चल रही है, तो हमारे दर्शक दो देख रहे हैं जैसे आपकी अकोठी रोड पर एक भारतीय पब्लिक स्कूल है, यहाँ एडमिशन प्रक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, निश्चित रूप से एडमिशन लगातार यहाँ चालू है और बाकी जो बच्चे 95+ करें बोर्ड क्लासें हैं वो बोर्ड क्लास हम जल्दी ही चालू करने वाले हैं निश्चित रूप से। तो सभी बच्चे मतलब विद्यालय के हैं, विद्यालय के अन्य जो बच्चे भी यहाँ विद्यालय क्लास लेना चाहते हैं तो वो उनका भी स्वागत है। कब से शुरू हो रही है? जल्दी 5 तारीख से ही हम शुरू कर रहे हैं। तो युगांशी ने सब्जेक्ट का चयन भी कर लिया, तो सर बोर्ड की 12th क्लास क्लास के भी परिणाम जारी हो गए, तो उनकी समरी भी एक बार हमारे दर्शकों के सामने। बिल्कुल भी 92% मतलब क्या है बच्चे ने यहाँ पे आए हैं, 85 से ऊपर काफ़ी 6-7 बच्चे हैं यहाँ पर मतलब, और बच्चों की संख्या भी स्कोर का भी थोड़ा नीचे क्लासों में संख्या ज़्यादा है और बड़ी क्लासों में संख्या धीरे धीरे ऊपर आती जा रही है, तो निश्चित रूप से क्या है जिस एवरेज में हम अन्य विद्यालयों के जो एवरेज में ना हमारा रिजल्ट शानदार रहता है। सर मैंने कुछ स्कूलों की भी कवर करने की कोशिश की, बड़ी स्कूलें होती हैं जो 500-600 विद्यार्थियों को बैठाती है, उनमें से 1-2 विद्यार्थी 90% से ऊपर निकल जाते हैं, तो वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन कुछ संख्या भी कम है, लेकिन अच्छा स्कोर की बात करें, ऑल ओवर आंकड़ों की बात करें तो बेहतरीन आंकड़े। बिल्कुल सर, शानदार आंकड़े रहे हैं और कहीं कम, हर चौथा बच्चा विद्यालय के अंदर शानदार परिणाम लेके आता है, कहीं कम नहीं है। बच्चे मेहनत करते हैं, विद्यालय परिवार मेहनत करता है और आंकड़े शानदार रहते हैं और निश्चित रूप से आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। तो ग्रामीण परिवेश कोठी रोड पे भारतीय पब्लिक स्कूल में इस वक्त वह मौजूद था, इसी स्कूल के कैंपस में मैंने टॉपर से स्टूडेंटों से चर्चाएं करी, यहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में चर्चाएं करी, आखिरकार भारतीय पब्लिक स्कूल जो किस प्रकार की उन्हें व्यवस्थाएं प्रोवाइड करवाती है, किस प्रकार का वो वातावरण प्रोवाइड उन्हें स्कूल कैंपस के अंदर करवाया जाता है, जिसके बदौलत वो साल भर यहाँ मेहनत कर करके एक अच्छा स्कोर कवर करते हैं, इसी स्कोर को कवर किया यहीं पढ़ने वाले युगांशी ने, जिसने 95.33% के साथ स्कूल को टॉप किया है। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।